नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करने वाला हूँ कस्टडी मूवी के ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर मैंने देखा, ये तमिल और तेलुगु दो लैंग्वेजेस में रिलीज होगा। और जब ट्रेलर मैंने देखा तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार, वेंकट प्रभु जो हैं वो अपने डायरेक्शन से कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते अपने ऑडियंस को। यार, नागा चैतन्या को किस तरीके से उन्होंने मोल्डअप किया है फॉर हिज फिल्म, ये मैंने देखा। एक कॉन्स्टेबल की कहानी है जो किस तरीके से विलन को, कहानी के विलन, कहानी के क्रिमिनल को बचाता है, उसके ऊपर पूरी कहानी रिवॉल्व कर रही है, जो मुझे ट्रेलर देख के पता चला। किस तरीके से सच्चाई को सच्चाई से ही बचाया जाएगा, किस तरीके से न्याय दिया जाएगा, वो भी एक विलन को, एक क्रिमिनल को बचा के, ऐसी कुछ कहानी मुझे यहाँ नजर आ रही है। इसमें आपको नागा चैतन्या के अलावा प्रिया मणि भी, अरविंद स्वामी भी नजर आएंगे, और बहुत जैसे वेनिला किशोर भी है तेलुगु इंडस्ट्री के। तो मतलब मान के चलो कि तेलुगु इंडस्ट्री के कैरेक्टर्स और तमिल इंडस्ट्री के कैरेक्टर्स दोनों आपको इस फिल्म में मिलने वाले हैं। जो गाने मैंने सुने, एक हेडअप करके गाना आया था इस फिल्म का, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन ट्रेलर में जिस तरीके से कैमरा वर्क और कैमरा शॉट्स लिया गया है इन दिस फिल्म, जो मुझे वो एविडेंस दिखाया है किस तरीके से एस्केप कर चुका है एक जो एक्यूज है, और किस तरीके से पीछे से कैमरा उसको अप्रोच कर रहा है, किस तरीके से वो कैमरा दिखा रहा है, किस तरीके से गोल घूम रहा है कैमरा, वो आप सीन देखना ट्रेलर में, यार ब्लास्ट हो जाएगा आपका माइंड, लिटरली ब्लास्ट हो जाएगा आपका माइंड। तो ओवरऑल जो एक ट्रेलर है, ट्रेलर की कहानी मुझे लगी कि ये जस्टिस सीकिंग स्टोरी है। ये किस तरीके से एक जो आपका कॉन्स्टेबल है, किस तरीके से विलन को बचा रहा है, और किस तरीके से टेंशन जो है वो क्रिएट हो रही है, वो किस इंटेंसिटी के साथ वो क्रिएट हो रही है टेंशन, तो वो सब मैंने देखा। 12 मई को फिल्म रिलीज होगी, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन तमिल वर्जन और तेलुगु वर्जन में ही आएगी, हिंदी में शायद तब रिलीज हो जब फिल्म ऐसा लगे कि फिल्म तमिल तेलुगु में हिट हो रही है, तब वो फिल्म आ सकती है इन हिंदी, जैसे वीरूपक्षा के साथ हुआ था। तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन ट्रेलर इज क्वाइट प्रॉमिसिंग। पूरी एक्विनिनी फैमिली जो है वो फ्लॉप हुई है, घोस्ट एजेंट ये फिल्म है, देखो एक्विनिनी फैमिली की फ्लॉप हुई है। अब कस्टडी पे आंखें हैं कि ये फिल्म कितनी हिट जाती है, हिट जाती भी है कि नहीं, लेट्स सी। अगर आपने ट्रेलर देखा तो बताना जरूर ट्रेलर आपको कैसा लगा।